आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। विधायक विजय मिश्र के बेटे के खिलाफ कुर्की की नोटिस चस्पा। खबर जनपद भदोही से है, जहां सामूहिक दुष्कर्म के मामले में निर्दल विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ सिकंजा कस दिया गया है। पुलिस द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर शनिवार को कोल्हापुर धनापुर दक्षिणी पहुंचकर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई। इस दौरान डुगडुगी भजवाई गई, साथ ही चेताया गया कि 9 सितंबर तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। रिश्तेदार का भवन एवं फर्म हड़पने के मामले में विधायक उनके बेटे विष्णु मिश्र, पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र के खिलाफ अगस्त 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद गिरफ्तार विधायक आगरा जेल में बंद हैं, जबकि एमएलसी पत्नी हाई कोर्ट से जमानत पर हैं, लेकिन बेटा विष्णु फरार चल रहा है। विधायक की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने अक्टूबर 2020 में विधायक, उनके बेटे विष्णु मिश्र और नाती के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक पहले से ही जेल में है, जबकि नाती हाई कोर्ट से जमानत पर है, लेकिन बेटा विष्णु मिश्र अभी भी फरार चल रहा है। शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर पीड़िता का वीडियो वायरल हो गया था। आरोप लगाया गया कि विधायक के लोग उसे मुकदमा में सुलह करने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मामले में सक्रिय हुई पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगरेप मामले में धारा 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा की। नोटिस में विष्णु मिश्र को 9 सितंबर तक न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। समय से हाजिर न होने पर धारा 83 की कार्रवाई की जाएगी। गोपीगंज पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक के सिंह आगरा जेल जाकर विधायक विजय मिश्र का बयान दर्ज कर चुके हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ध्यान दीजिए, विष्णु मिश्रा, अभियुक्त विष्णु मिश्रा, पुत्र विजय मिश्रा, निवासी धनापुर कोल्हापुर, मुकदमा अपराध संख्या 379/20, धारा 376D, 342, 506 IPC में फरार घोषित किया गया है। दिनांक 9 सितंबर 2021 के पहले ये अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है अथवा थाने पे पुलिस द्वारा गिरफ्तारी इसकी नहीं की जाती है तो इसकी चल संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। आप सबको पता है कि विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे और उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ एक महिला ने रेप का मुकदमा लिखाया था, जिसमें विधायक और उनका कोई रिश्तेदार गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अभी उनका बेटा विष्णु वो फरार चल रहा है। तो न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए जो 82 CR की कार्रवाई है वो की गई है और उसी के तहत ये विष्णु की कार्रवाई की गई है। आज 19 अगस्त है। मैं नेहा उर्फ भावना अपने ऊपर किए गए दुष्कर्म के द्वारा मैंने विजय मिश्रा पर FIR दर्ज कराया था। विजय मिश्रा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था और सामूहिक दुष्कर्म कराया था। आज इतने महीने बीत गए, मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। विजय मिश्रा ने बोला था कि मैं बाहुबली हूँ, मैंने कई लोगों के ऊपर फर्जी केस करवाए हैं, अगर तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी बोलोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को जान से मरवा दूंगा। जब ये जेल गया तो मेरे अंदर हिम्मत आई कि मुझे कानून इंसाफ देगा और मैं अपने ऊपर हुए दुष्कर्म के बारे में भदोही जिला में मैंने कंप्लेन कराया। आज विजय मिश्रा अपने गुंडों को, पुलिस को मेरे घर पे भेजा। उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया, मेरे मोबाइल छीनने लगे, मेरे भाई के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है,
मुंबई से। मेरा भाई आज तक कभी मुंबई गया ही नहीं है। विजय मिश्रा ने न जाने कितने लोगों के ऊपर ऐसे ही फर्जी मुकदमे कराए हैं, इसलिए कराया है कि ताकि मैं टॉर्चर हो करके अपना केस वापस ले लूं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ दिलाइए। मैंने महिला आयोग, मानव अधिकार, आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को 4 महीने पूर्व पत्र भेजा था, पर उसका कोई जवाब नहीं हुआ। आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। ऐसे मुझे हमेशा मेरे परिवार वाले को टॉर्चर किया जाता है। मैं अपने माँ बाप को कैसे रोते हुए देख सकती हूँ। मैं और मेरा परिवार एकदम सदमे में है। बस ये चाहते हैं कि मैं मुकदमा ले लूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसने गुड्डू मिश्रा, पंकज दुबे के द्वारा मेरे भाई पर मुकदमा कराया गया है। कह रहे हैं कि मैं भी शामिल हूं। मैंने भी मिल करके किसी लड़की का बलात्कार कराया है। प्लीज मुझे इंसाफ दीजिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। प्रधानमंत्री आवास पे आकर के आत्मदाह कर लूंगी। योगी जी के आवास पे आके, विधानसभा के पास में आके आत्मदाह कर लूंगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज, और प्लीज न्याय कीजिए। इसकी सीबीआई जांच। ध्यान दीजिए, विष्णु मित्रा, अभियुक्त विष्णु मित्रा, पुत्र विजय मित्रा, निवासी धनापुर कौलापुर, मुकदमा अपराध संख्या 379/20, धारा 376D, 342, 506 IPC में फरार घोषित किया गया है। दिनांक 9 सितंबर 2021 के पहले ये अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है अथवा थाने पे पुलिस द्वारा गिरफ्तारी इसकी नहीं की जाती है तो इसकी चल संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।